से उसे बचपन में पाला था। उसके डैड ने बन बेचने का काम किया था बचपन में, क्योंकि वो बड़े होके अपने बेटे को एक बार किंग बना सकें। बचपन में उसके डैड उसे किंग बनाने के लिए हमेशा उसके साथ रहा करते थे और हमेशा उसे झूलों में झुलाया करते थे और उसी के साथ इंजॉय भी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी मॉम आ जाती है, जो कि उन्हें काफ़ी टाइम से छोड़ के चली गई थी, और जिसके बाद ये छोटा बच्चा चले जाता है अचानक से अपनी मॉम के पास। एंड इसके डैड भी इसकी मॉम के पास जाते हैं, क्योंकि आज इस छोटे बच्चे का बर्थडे था। एंड ये बर्थडे में इतना ज़्यादा खुश था कि वो एक बार में प्रेजेंट खोलता है एंड उसे मिलता है अपना प्यारा प्यारा टेडी बियर। एंड जिसके बाद आज इसकी मॉम इसके बर्थडे में इसी के साथ टाइम स्पेंड करने वाली थी। एंड ये छोटा बच्चा आज बहुत ज़्यादा खुश था और ये बहुत प्यारी रात में अपनी मॉम के साथ बैठकर सो रहा था। एंड इसकी मॉम इसे बुक रीड करके सुना रही थी एंड ये बहुत ही इंजॉय करके सो रहा था और ये अचानक से सो जाता है, जिसके बाद इसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। लेकिन किसे पता था इस छोटे बच्चे के 9th बर्थडे पर कोई ना कोई आने वाला है, और वहाँ पे आ जाते हैं पूरे के पूरे 4 क्रिमिनल्स। और वो क्रिमिनल्स ऐसे वैसे क्रिमिनल्स नहीं थे, वो सीरियल किलर थे, जो कि अब स्टीव की प्यारी प्यारी फैमिली में आ चुके थे हाथापाई करने। और जैसे स्टीव अपना गेट खोलता है, अनलकीली स्टीव को वो लोग मार देते हैं। एंड जिसके बाद ये छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड स्टीव एंड अपनी मॉम को देखकर अपने लास्ट बर्थडे पर बहुत ज़्यादा रोता है। एंड जिसके बाद वो रॉबर्स उनका गोल्ड एमरल्ड एंड डायमंड सब चोरी करना चालू कर देते हैं। एंड जिसके बाद किसी एक रॉबर को उसी छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अपने मॉम डैड के लिए रो रहा था। लेकिन किसे पता था वो छोटा बच्चा अपने डैड की तरह ही बहुत ज़्यादा चालाक है। लेकिन जैसे ही रॉबर छोटे बच्चे के पास आने लगता है, इस छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि यह इन्हें एक बार में मिटा दे। और उसी टाइम उन चोर्स को अचानक से आवाज़ आती है पुलिस की एंड अपने दोस्त की आवाज़ की, क्योंकि वहाँ पर अचानक से आ जाती है पुलिस। एंड उस छोटे बच्चे ने अपने बर्थडे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि उसके मॉम डैड को किसी ने मार डाला है एंड उनकी मॉम डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद उनके घर में बहुत सारी पुलिस आ जाती है एंड वो रो ही रहा होता है अपने मॉम डैड के पास बैठकर, क्योंकि उसके आज बर्थडे में उसके मॉम डैड आज नहीं थे। आज उसके प्रीशियस दिन में उसके मॉम डैड चले गए थे। एंड आप लोग को तो खुद ही पता है मॉम डैड बर्थडे में कितने ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। एंड इनके घर में वो पुलिस अचानक से जब अंदर आकर देखती है, उस पुलिस को पता चलता है कि इस छोटे बच्चे के प्यारे प्यारे मॉम डैड अब नहीं रहे। एंड अब ये छोटा बच्चा आखिर इस दुनिया में कैसा रहेगा। एंड ये दिन उनके लिए बहुत ही बुरा दिन था और इस दिन आ चुका था। और जिसके बाद ये छोटा बच्चा आ जाता है अपने मॉम डैड की डेड बॉडीज़ के पास, जहाँ पर इसकी मॉम डैड की डेड बॉडीज़ नीचे तक गाड़ दी गई थी। एंड यहाँ पर एक जॉम्बी उनके मॉम डैड के लिए रेस्ट एंड पीस बुक पढ़ रहा था। एंड ये छोटा बच्चा अपने मॉम डैड के पास जैसे ही फूल रखता है, ये रोने लगता है एंड इसके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। एंड ये अपने मॉम डैड की याद में बहुत ज़्यादा रो रहा था और ये एकदम अलोन हो चुका था और इसके पास अब करने के लिए भी कुछ नहीं था। ये घर आता है और उसी रॉबर के पास आ जा रहा था और ये एकदम अलोन हो चुका था और इसके पास अब करने के लिए भी कुछ नहीं था। ये घर आता है, स्विच ऑन करता है और उसी रॉबर के पास आ जाता है, जिस रॉबर के पास इसने ये छोटा बच्चा मन ही मन ठान चुका था चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने मॉम डैड का बदला ज़रूर लेगा। और जिसके बाद ये इस आदमी से इसके मॉम डैड के बारे में पूछने लगता है और ये उनसे ये भी पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा था। लेकिन वो बुरा इंसान हंसने लगता है और वो कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद ये छोटा बच्चा डायरेक्ट उसके गले पर नाइफ पॉइंट कर देता है। और नाइफ पॉइंट करने के बाद वो इंसान बहुत ज़्यादा डरने लगता है एंड उसे डर लगता है कि कहीं वो मर ना जाए, अगर वो मर जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जिसके बाद वो बताता है जब उसके दोस्त और वो चोरी करने के लिए एक जगह पर खड़े थे, तभी एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है उनके सामने। एंड अचानक जैसे ही वो उस ब्लैक कार के पास जाते हैं, उसके अंदर से एक इंसान निकलता है और वो यही फ़ोटो देता है
एंड कहता है उस फोटो में जो बंदे दिख रहे हैं उन्हें जान से मारना है एंड उनके पास जो भी है वो तुम्हें लाना है। एंड जिसके बाद ये छोटा बच्चा जैसे ही ये पाता है इसके मॉम डैड को मारने वाला और कोई नहीं है, इसके मॉम डैड को मारने वाला वो इंसान है जो कि इसके डैड के मैनेजर थे, जहाँ इसके डैड काम करते थे वहीं पर जो इनके बॉस थे उन्होंने ही इसके मॉम डैड को मरवाया है। एंड जिसके बाद ये छोटा बच्चा उन्हीं की गन्स ले लेता है, उन्हीं रॉबर्स की गन। और जैसे ही वो छोटा बच्चा उस फोटो के अंदर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई जगह नहीं है, वो बार है। और बार एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुरे लोगों की बहुत ज़्यादा झुंड रहती है और उन्हीं की डिमांड होती है। एंड जैसे उस बुरे बच्चे को वो बुरी वैन दिखती है वैसे वो बार के अंदर चला जाता है। एंड ये छोटा बच्चा बार में लोगों को देखता है एंड वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग थे। एंड उस बार में वो छोटा बच्चा बार के लोगों से पूछता है इस फोटो में जो बॉस दिख रहा है उसकी लोकेशन उसे बता दी जाए, लेकिन ये लोग उससे सामने हंसने लगते हैं। जिसके बाद ये छोटा बच्चा उनके सर में एक गोली मार देता है एंड जिसके बाद वहाँ के जितने भी रॉबर्स होते हैं वो इस छोटे बच्चे पर सारी की सारी गन पॉइंट कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोटा बच्चा हार नहीं मानने वाला था क्योंकि इसके मॉम डैड मारे जा चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी रॉबर थे वो सब एक एक करके मरे जा रहे थे क्योंकि इस बच्चे के पास ऐसी पावर आ चुकी थी जो कि गॉड गिफ्टेड थी। लेकिन वो रॉबर अचानक से उस बच्चे के हाथ में, लेफ्ट वाली हाथ में एक गन की गोली लगा देता है जिसके बाद उस छोटे बच्चे का एक हाथ घायल हो जाता है। लेकिन वो बच्चा इतने भी हार नहीं मानता एंड अचानक से उसके दोनों पैरों पर गोली मार देता है एंड जिसके बाद उसके सर पर गन पॉइंट करता है एंड वो पूछता है मुझे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ बता दो ये बॉस कहाँ है। जिसके बाद ये छोटा बच्चा सीने पर उसकी गोली मार देता है एंड जिसके बाद इस चोर को बताना पड़ता है इसकी लोकेशन। एंड जिसके बाद वो बच्चे को बता देता है ये जो बॉस है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर बहुत ही हाई सिक्योरिटी में रहता है एंड इसकी बिल्डिंग के टॉप पर उसका एक बहुत ही बड़ा ऑफिस या फिर लॉन है जहाँ पर वो रहता है एंड उसके पास बहुत सारा ही गोल्ड है। और ये बच्चा किसी तरह उस कंपनी में चला जाता है और जिसके बाद ये बच्चा जैसे ही अंदर जाता है वो TNT प्लेस करने लगता है चारों तरफ एंड वो दो जगह पर TNT लगा चुका था, फर्स्ट फ्लोर पर एंड वो सेकंड फ्लोर पर TNT लगाता है एंड थर्ड फ्लोर पर भी लगाता है एंड फिफ्थ फ्लोर पर भी लगाता है एंड सिक्स्थ फ्लोर पर भी लगाता है। एंड अब बारी आ चुकी थी लास्ट फ्लोर पर TNT लगाने की एंड जिसके बाद इस छोटे बच्चे का सामना हो जाता है उन्हीं बुरे बॉडीगार्ड्स से, लेकिन ये छोटा बच्चा अब बिल्कुल भी नहीं डरता। छोटे बच्चे को अब बिल्कुल भी डर नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है क्योंकि इसके मॉम डैड तो अब इस दुनिया में नहीं थे और इसके जीने की अब कोई खास इच्छा भी नहीं थी बदले के अलावा। एंड ये इस बदले को लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। और उसी टाइम अचानक से उस बॉस को पता चलता है कि उसकी कंपनी के अंदर वो छोटा बच्चा आ चुका है एंड वो हर जगह TNT प्लेस कर चुका है। उसी टाइम उस छोटे बच्चे की जान खतरे पर आ जाती है एंड उस छोटे बच्चे को मारने के लिए वहाँ के बॉडीगार्ड्स एक एक बार में फायरिंग कर रहे थे एंड ये छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और इस छोटे बच्चे ने आखिरी में अपनी AK-47 निकाल ली थी एंड अब ये बॉडीगार्ड्स उसके पास ही बढ़ रहे थे एंड ये छोटा बच्चा आंख बंद करके उनके सामने अनस्टॉपेबल फायरिंग करता है एंड लकीली वो सब वहाँ पर मर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स आने लगे थे एंड अब इस छोटे बच्चे की पीठ पर एक बहुत ही भयानक गोली लग चुकी थी एंड जिसके बाद ये छोटा बच्चा हार नहीं मानता एंड वहाँ पर सारे लोगों को मारने लगता है। लेकिन ये बुरा बॉस कंटिन्यूसली आर्मी बुला रहा था इस छोटे बच्चे को मारने के लिए, लेकिन ये बॉस जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है वो पाता है कि वही छोटा बच्चा आ चुका है जिसके मॉम डैड को उसने मरवा डाला था एंड उनके घर से हर एक गोल्ड लूट लिया था। सिर्फ थोड़े से गोल्ड और पैसों के लिए इसने इसके मॉम डैड को मारा था एंड जिसके बाद ये लालच देता है उस बच्चे को तुम कितना सारा भी गोल्ड ले लो और मुझे छोड़ दो। एंड जिसके बाद वहाँ पर अचानक से पता चलता है उस बच्चे के सर के पीछे कोई ना कोई तो गन पॉइंट करके बैठा हुआ है एंड उस बच्चे को पता चलता है कि अब वो मरने वाला है। इसके बाद ये छोटा बच्चा बहुत ही डरावनी हंसी हंसता है क्योंकि
अब इसके पास था वो टाइमर जिससे पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद कर सकता था। और ये बताता है पूरी की पूरी कंपनी अब बर्बाद होने वाली है, जिसके बाद वो बॉडीगार्ड तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एंड ये जो मोटा बॉस होता है उसे भी पता चल जाता है उसकी जान अब नहीं बचने वाली। एंड जिसके बाद ये छोटा बच्चा बिना कुछ सोचे ही वो चीज़ दबा देता है एंड पूरी की पूरी कंपनी फटना चालू हो जाती है। एंड एक एक फ्लोर उस कंपनी का फट जाता है। एंड शायद से अब वो बच्चा भी मरने वाला था उस बॉस के साथ। एंड अब वो बच्चा भी सोच लिया था अब उसकी मॉम डैड का बदला पूरा हो जाएगा और वो अपनी मॉम डैड के पास पहुंच जाएगा। उस कंपनी का सीन कट जाता है और अचानक ये बच्चा पाता है इसके सामने से इसके मॉम डैड आ रहे हैं। एंड इस बच्चे के लिए इस वीडियो में 1000 लाइक्स भी कम पड़ने वाले हैं, सो इस बच्चे के लिए एक लाइक तो ड्रॉप कर दो प्लीज। सो या गाइस, आई होप यू लाइक दिस वन। इस वीडियो का लाइक एम जितना